फर्स्ट टाइम तो ये तुर्की का ब्रांड है, उसके बाद फिर चाइना, इंडिया, सब जगह जाने के बाद फिर पाकिस्तान में आया। जो बंदा खाता है तो उसको पता चलता है कि ओरिजिनल क्रीम का टेस्ट क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर, मैं हूँ फैजान सेटार। नाज़रीन, वैसे तो आपने गड़ागट खाया ही होगा, पर आज हम आपको एक मुनफरिद आइसक्रीम दिखाने जा रहे हैं जो गड़ागट तरीके से तैयार की जाती है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आइसक्रीम का आपको रिव्यू। ये तो मेरे साथ कुछ खूबसूरत बच्चे भी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि आज गड़ागट आइसक्रीम खाने आए, कहाँ से आए, क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनाहिल है। अच्छा मिनाहिल, कहाँ से आई हैं आप? मैं हैदराबाद से आई हूँ। हैदराबाद सिंध से आई हैं आप? जी। यहाँ पर कैसी लगी आइसक्रीम खा के आपको? आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, वैसे क्या फर्स्ट टाइम खाई है या पहले भी इससे आई हैं आप यहाँ? नहीं, फर्स्ट टाइम खाई है। जी, तो मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं जो इस गड़ागट आइसक्रीम को तैयार करते हैं, तो किस तरीके से तैयार करते हैं तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? सुमेर नाम है मेरा। सुमेर, मुझे बताइएगा कि किस तरीके से ख्याल आया कि गड़ागट आइसक्रीम को यहाँ भी पेश किया, क्योंकि वैसे ये ज़्यादातर फेमस इंडिया में, तो पाकिस्तान में भी आप लेकर आए? ये असल में तो फर्स्ट टाइम तो ये तुर्की का ब्रांड है, उसके बाद फिर चाइना, इंडिया, सब जगह जाने के बाद फिर पाकिस्तान में आया, और पाकिस्तान में भी तकरीबन इसके इस काम को 4 से 5 साल हो गए। सबसे पहले ये बादराबाद और डॉलमेन मॉल का है, उसके बाद लकी वन, फिर ये कोट ग्रैंड अप बंस रोड का है। कितने में ये तैयार कर लेते हैं आपको? वैसे कितने में तैयार हो गए होटल में? एक बॉक्स पैक, असल में तो लोग आजकल इसके अंदर 2 नंबर कंडेंसन मिल्क चला रहे होते हैं कि आइसक्रीम रोल बने, लोगों के गले पकड़ लेती है, लेकिन हमारे पास बॉक्स पैक क्रीम होती है ओरिजिनल मलेशियन मेड, और वो मिक्सचर होती है। सिर्फ इसमें हम डेयरी उमंग दूध मिलाते हैं और तवे के ऊपर डालते हैं, और उसके बाद इसको मिक्सअप करते हैं। अदर्स वंस किसी को किटकैट का चाहिए होता है, स्नैकर का, तो वो चॉकलेट डाल के मिक्सअप करते हैं और फिर उनको वो रोल बना के हम आइसक्रीम के। वैसे आम एक आइसक्रीम खाने में और गड़ागट आइसक्रीम खाने में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सेम है या कुछ अलग चेंजेस होते हैं इसके अंदर? ये डिफरेंस है, सबसे पहली बात तो ये आँखों के सामने बन रही है, और सेकेंडली ये है कि हमारी क्रीम थोड़ी हैवी टाइप की है, तो जो बंदा खाता है तो उसको पता चलता है कि ओरिजिनल क्रीम का टेस्ट क्या आ रहा है। अदरवाइज आप आइसक्रीम में खाएंगे सब जगह की, वो आप खाएंगे गले से उतरेगी, पानी हो जाएगी, वो आप खाते रहोगे लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। उसका मकसद ये होता है कि आइसक्रीम की क्रीम के मेयार कम करके दूध के मेयार ज़्यादा कर देते हैं। ये चीज़ हम भी ला सकते हैं, लेकिन हम उस लेवल की आइसक्रीम नहीं बनाते। उससे बेहतर है कि इंसान खाए तो कम से कम जानदार चीज़ तो मिले। एक वीडियो आती है, उसमें दिखाया जाता है कि यही गड़ागट आइसक्रीम मुख्तलिफ चीज़ों से भी तैयार की जाती है, हर एक चीज़ की, तो वाकई में क्या ये प्रूफ है कि हर चीज़ से तैयार होती है। हमारे पास लोग फ्रेश फ्रूट भी लेकर आते हैं, तो हम उसकी भी बनाते हैं। जो भी आइटम, जो भी चॉकलेट, कुछ भी लेकर आए, मिर्ची तक लेकर आए, तो हम उसकी भी बना के। वैसे कितने टाइम से बना रहे हैं आप? ये अभी हमें इस जगह पे 1 साल हो गया। एक कप कितने का चला रहे हैं? एक कप 180 से लेके 380 तक है, स्मॉल लार्ज इसमें दोनों आ जाते हैं। मतलब मुख्तलिफ जो चाहेगा बंदा वही बन के आप? जी जी, जो बंदा चाहेगा वही इसके मतलब क्या आइसक्रीम बना के। जी, तो ये शहर कराची में सुमेर एक नौजवानों ने अपना कारोबार खोला है और गड़ागट आइसक्रीम बना रहे हैं। तो गड़ागट आइसक्रीम एक मुनफरिद तरीका है, और आप भी अगर चाहें तो जिस तरीके की आइसक्रीम अगर बनवाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो आज की इसी स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।